इलेक्ट्रिक कार के सेगमेंट में लग्जरी कार्स को भी काफ़ी पसंद किया जाता है, क्योंकि नॉर्मली इन कार्स की कीमत 60-70 लाख रुपए से शुरू होकर के 1 करोड़ से 2 करोड़ रुपए तक भी जाती है। साथ ही साथ देखोगे आप बजट सेगमेंट, तो यहाँ पर आपको 8 लाख रुपए से लेकर के 25 से 30 लाख रुपए तक की कार्स भी देखने को मिल जाती हैं, जो काफ़ी अच्छा बिकती हैं। लेकिन टॉप 5 में वही कार जगह बना पाती हैं जिनकी प्राइस लगभग 20-22 लाख रुपए के आसपास है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे टॉप सेलिंग ईवी कार ब्रांड्स के बारे में मई 2024 के। इससे पहले हम आपको अप्रैल 2024 के भी ब्रांड्स बता चुके हैं। तो शुरू करते हैं 10 पोजीशन पर आने वाली किया इंडिया के साथ। 20 यूनिट्स बेचे हैं इसने। एक ही प्रोडक्ट मार्केट में आता है, किया EV6। साथ ही साथ ग्लोबल मार्केट में कुछ नए प्रोडक्ट अनवील तो किए हैं, साथ ही साथ ग्लोबल मार्केट में कुछ नए प्रोडक्ट ऑलरेडी आते हैं, लेकिन इंडिया में अभी EV6 ही आ रही है जिसकी प्राइस 60 लाख रुपए से शुरू होकर के 65 लाख रुपए तक जाती है और उसको CBU रूट से लाया जाता है, तो इसीलिए थोड़ी सी उसकी प्राइसेस भी ज्यादा है। इस साल के अंत तक EV6 को भी बड़े अपडेट मिल जाएंगे। 9 पोजीशन पर वॉल्वो। 35 यूनिट बिके हैं मई 2024 में। वॉल्वो की तरफ से दो कार्स आती हैं मार्केट में, XC40 रिचार्ज और C40 रिचार्ज। यहाँ पर ये दोनों ही 60 से 65 लाख रुपए के बजट में आपको देखने को मिल जाती हैं। इसके बाद सिट्रोइन यानी PCA 8 पोजीशन पर 36 यूनिट के साथ में। लास्ट मंथ ये 5th पोजीशन पर था, जो कि अब खिसक करके 8th पोजीशन पर आ गया है। यहाँ पर सिट्रोइन की तरफ से अभी एक ही कार मार्केट में आती है, सिट्रोइन की EC3। यहाँ पर ये बजट में आपको देखने को मिल जाती है, लगभग 12 लाख रुपए से शुरू होकर के 13.5 लाख रुपए तक इसकी प्राइस जाती है। आने वाले कुछ महीनों में बसाल्ट को भी लॉन्च कर दिया जाएगा। एक इसका ओवरऑल लुक जो है वो कूपे है और देखने में थोड़ी सी प्रीमियम तो लग रही है। अगर ये 14-17 लाख रुपए के आसपास लॉन्च की जाती है तो काफी अच्छा रहने वाला है। 7th पोजीशन पर मर्सिडीज। 55 यूनिट बिके हैं मई में। लास्ट मंथ ये 6th पोजीशन पर थी, जो कि अब 7th पोजीशन पर आ गई है। मर्सिडीज की तरफ से भी एक लंबा लाइनअप है इलेक्ट्रिक का, जहां पर आपको EQB, EQS, AMG EQS और EQE SUV देखने को मिल जाती है। सबसे सस्ती आपको SUV यहां पे जो मिलती है वो 75 लाख रुपए के बजट में मिलती है और सबसे महंगी 2 करोड़ 45 लाख रुपए के बजट में EQS मिल जाती है। 6th पोजीशन पर BMW। लास्ट मंथ ये 8th पोजीशन पर थी, जो कि अब 6th पोजीशन पर आ गई है 60 यूनिट्स के साथ मई 2024 में। BMW के पास फिलहाल इलेक्ट्रिक कार्स के सेगमेंट में 5 कार्स है। यहाँ पर लग्जरी सेगमेंट में आप देखोगे तो सबसे सस्ती कार 66,90,000 रुपए की है BMW के सेगमेंट में और सबसे महंगी 2,50,00,000 रुपए की i7। इलेक्ट्रिक के सेगमेंट में भी BMW टाइम टू टाइम अपडेट देता रहता है। ओवरऑल लाइनअप इन्होंने अपडेट कर दिया है अपना भारत में। इसके बाद ह्यूंडे 5th पोजीशन पर 95 यूनिट के साथ मई 2024 में। लास्ट मंथ ये 7th पोजीशन पर था। ह्यूंडे के पास अभी केवल 2 ही कार्स हैं इंडिया में, आयोनिक 5 और कोना EV। इन दोनों की सेल्स ठीक ठाक हो रही है, लेकिन अभी कोना EV को अपडेट मिलने वाले हैं। साथ ही साथ हो सकता है कि इस साल के अंत तक क्रेटा EV को भी इंट्रोड्यूस कर दिया जाए, जो लगभग 18 से 25 लाख रुपए के आसपास लॉन्च की जा सकती है। आयोनिक 5 जो है थोड़े से प्रीमियम सेगमेंट में आती है, 46 लाख रुपए की एक्शोरूम प्राइस पर, जिसमें आपको काफ़ी अच्छे फीचर्स मिल जाते हैं और रोड प्रेजेंस भी इसकी काफ़ी शानदार है। 4th पोजीशन पर BYD। 148 यूनिट्स बिके हैं मई 2024 में। लास्ट मंथ भी ये 4th पोजीशन पर ही थी। BYD की तरफ से अभी 3 नई ऑफरिंग हैं भारत में। BYD एटो 3 काफ़ी अच्छा बिक रही है और BYD E6 मार्केट में पहले से ही अवेलेबल है। साथ ही साथ रिसेंटली BYD सील को लॉन्च किया गया है 41,53,000 रुपये की एक्स शोरूम प्राइस पर। 3rd पोजीशन पर महिंद्रा। 525 यूनिट बिके हैं मई 2024 में। महिंद्रा को भी काफ़ी पसंद किया जाता है SUV के सेगमेंट में, लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रिक में इसके पास केवल एक ही गाड़ी है, XUV400। XUV400 जो देखने में काफ़ी XUV300 की तरह ही है, लेकिन अब फाइनली इसको भी बड़े अपडेट मिलने वाले हैं। फ्रंट फेशिया, रियर प्रोफाइल, अब जो नई 3XO आई है उससे इंस्पायर्ड रहने वाला है। इंटीरियर आपको हो सकता है पहले जैसा ही देखने को मिले, साथ ही साथ कुछ नई मॉडर्न डे फीचर्स इसमें ऐड कर दिए जाएंगे। फिलहाल जो XUV400 मार्केट में अवेलेबल है उसकी प्राइस 15,49,000 रुपए से शुरू होती है और 17,69,000 रुपए तक जाती है। इसके बाद MG इंडिया। सेकेंड हाईएस्ट सेलिंग कार ब्रांड बना इलेक्ट्रिक के सेगमेंट में। 883 यूनिट्स बिके हैं मई 2024 में। MG की तरफ से अभी 2 ही कार्स मार्केट में अवेलेबल है, MG कॉमेट EV जो 7 लाख रुपए से शुरू होती है और 9.5 लाख रुपए तक जाती है, वहीं MG ZSEV जो कि एक मिड साइज SUV है। काफ़ी अच्छे फीचर्स मिल जाते हैं, बड़ा प्राइस कट देखने को मिला है रिसेंटली और इस पर आपको डिस्काउंट भी मिल जाता है। इसकी प्राइस 18,98,000 रुपए से शुरू होती है और 25,20,000 रुपए तक जाती है।
हर बार की तरह इस बार भी नंबर वन पोजीशन पर टाटा मोटर्स 70% से ज्यादा का मार्केट शेयर होल्ड करती है टाटा मोटर्स इलेक्ट्रिक के सेगमेंट में। यहां पर टाटा मोटर्स की मई 2024 में 4,442 यूनिट्स बिकी हैं। हर महीने ही लगभग 4,000 के आसपास यूनिट्स इनकी बिक जाती हैं। यहां पर इनके पास टाटा की पंच ईवी, टियागो ईवी, टिगोर ईवी और नेक्सॉन ईवी मार्केट में अवेलेबल है। पंच ईवी को काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला लॉन्च हो जाने के साथ ही, और रोड प्रेजेंस के मामले में भी ये काफी अच्छी है। नॉर्मल जो पंच मार्केट में अवेलेबल है पेट्रोल सीएनजी वाली, उससे बेहतर रोड प्रेजेंस के साथ पंच ईवी आती है। वहीं आप बजट में देखोगे तो टाटा टियागो ईवी आपको 8 से 12 लाख रुपए के बजट में मिल जाती है। वहीं टिगोर ईवी जो कि एक सेडान है 12.5 से 14 लाख रुपए के बजट में आपको वो देखने को मिल जाती है। इसके अलावा टाटा नेक्सॉन ईवी जो कि लगभग 14.5 लाख रुपए से 20 लाख रुपए के बजट में देखने को मिलती है। इसमें आपको काफ़ी मॉडर्न डे फीचर्स मिल जाते हैं, रोड प्रेजेंस भी शानदार है और देखा जाए तो एक अच्छा माइलेज इसमें आपको मिल जाता है।